नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीक बॉस का 9th वीडियो में। तो यहाँ पे मैं हर हफ्ते एक नया नया प्रॉब्लम लाता हूँ। आज का प्रॉब्लम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रॉब्लम का नाम है इक्विलैटरल। तो यहाँ पे आप जो ये चारों ट्रायंगल देख रहे हैं, ये चारों के चारों जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल है, यानी कि हर एक साइड जो है उसका मान समान है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है एक क्वेश्चन मार्क वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है, और ये जो नंबर्स है 20 और 5, ये इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया आपको दे रखा है। इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, और कोई भी आपके पास डेटा नहीं दिया हुआ है बस सिवाय इसका कि ये इक्विलैटरल है और ये दोनों एरिया दे रखे हैं। तो आपके पास, आप ये वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके ही बाद हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सोल्यूशन के लिए पूरा अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एरिया से हमारा साइड का डायरेक्ट रिश्ता है। तो हम जानते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका जो एरिया है, ये एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अगर एरिया 1 और एरिया 2 है, तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया का रेशियो वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एरिया साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से हम इस्तेमाल करेंगे इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स में लगाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में लगाने के बाद हमारे पास आता है पहले का एरिया जो हम मान लेते हैं 20, दूसरे का एरिया जिसको हम मान लेते हैं 5, दैट इज़ इक्वल टू, पहले का साइड आप कुछ मान लेते हैं t1 और दूसरे का साइड हम मान लेते हैं t2, तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर है। तो आप देख सकते हैं इसका रेशियो हमारे पास आता है t1/t2 होल स्क्वायर है, इसका रेशियो हमारे पास आता है 5/4/20, यानी कि जो t1/t2 होता है वो होता है √4 यानी कि 2। और t1/t2 अगर 2 है, इसका मतलब जो t1 है वो 2 times t2 है। तो आप देख रहे हैं ये जो साइड है इसको अगर मैं 2x मानूं तो ये वाला जो साइड है वो x निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड का दुगना हो रहा है ये वाला साइड। मैं इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ किया। अब आ जाते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशन में। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो ये सारा का सारा 60 डिग्री है। इसी ऑब्जर्वेशन को हम अभी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशंस के लिए। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे ये एक ट्रायंगल हो रहा है, ये एक ट्रायंगल हो रहा है, और ये एक ट्रायंगल हो रहा है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर आप ये वाला एंगल को थीटा के बराबर मान ले, तो चूंकि एक पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल आपके पास आएगा 120 माइनस थीटा, और फिर से ये वाला जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा। ठीक इसी तरीके से ये वाला भी आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा। तो इसी को इस्तेमाल में लाते हुए हम जो ये बड़ा सा जो ट्रायंगल है इसके अंदर, और इसी के साथ हमारे पास ऐसे ये तीनों ट्रायंगल्स होते हैं। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों ट्रायंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 60 डिग्री और ये जो थीटा है ये तो सब में कॉमन है, और आपके पास ये जो तीनों साइड्स ये सबके लिए बराबर है क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपके पास AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से ये जो तीनों ट्रायंगल है, ये आप जो देख रहे हैं, ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी का फायदा हम उठाएंगे। तो हमारे पास ये तो ऑलरेडी 2x था, और ये वाला जो हमारा साइड था ये था हमारे पास x। तो इसी को हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये अगर x है तो ये भी 2x होगा, ये 2x होनी चाहिए, और ये अगर 2x है तो ये भी x होनी चाहिए, और ये 2x है तो ये भी x होनी चाहिए, ये x है तो ये भी 2x होनी चाहिए। यानी कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे तो हमको वैल्यू सेटिस्फाई करना ही होगा, करना ही चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि x और 2x, ये अगर एक ट्रायंगल का साइड है और उसके बीच में अगर आपका जो वो अगर 60 डिग्री है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल्स होगा ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होता है तभी जाके आपका जो ये दो साइड्स का रेशियो होगा वो 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि cos 60 होता है 1/2। तो अगर हम इसी को इस्तेमाल करें तो देखिए कि ये जो सारा का सारा
ट्रायंगल्स है, ये कॉन्ग्रुएंट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास 30 डिग्री ही है। तो ये हमारे पास अगर 30 डिग्री है दोस्तों, तो हमारे पास सिंपली ये जो ट्रायंगल का साइड है, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन मार्क वाला ट्रायंगल की साइड हम अभी निकाल सकते हैं। कैसे? ये साइड को वो राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो में हम अगर डालें तो हम ये बता सकते हैं कि साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू, ये जो साइड है जो हमको अननोन दे रखा है, ये जो साइड है, बटे हाइपोटेनियस जो कि 2x है। तो हमारे पास साइन 60 का वैल्यू आता है √3/2। इसको अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइड। तो हमारे पास जो साइड आ गया वो तो √3x आ जाएगा। तो अब हम बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना x को कैलकुलेट करें, हम ये √3x को इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये अगर साइड है, ये अगर ये क्वेश्चन मार्क वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो आपके पास जो एरिया होगा वो होगा √3/4 टाइम्स √3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर टाइम्स 3। अभी आप जानते हैं कि √3/4 एक्स स्क्वायर है, वो छोटा सा जो स्क्वायर, ये जो छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया जो कि है 5, तो उसके साथ अगर आप 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 3 सर आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये जो आपके पास अल्टीमेटली जो ट्रायंगल होता है, इसका एरिया आपके पास आता है 15 यूनिट स्क्वायर या फिर 15 स्क्वायर यूनिट्स। बस इतना आसान था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन था और ये क्रॉस पॉइंट आपको देखना था कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो या फिर आप और कोई सोल्यूशन या एंगल ढूंढना चाहते हैं इस प्रॉब्लम का, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीक बस की 10वीं प्रॉब्लम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।